हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ज्योतिष के कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिनसे आपके अधूरे काम पूरे हो सकेंगे। ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें मनुष्य को अपनी हर मुश्किल का समाधान मिल सकता है। आज मैं आप लोगों को ज्योतिष के कुछ सरल से उपाय बताऊंगी जिन्हें करने से व्यक्ति का हर अधूरा काम बनने लगता है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि उसकी कुंडली में चल रहे दोषों का भी नाश हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि ये उपाय कौन से हैं। प्रतिदिन गाय, कुत्ते, कौवे, पक्षी और चींटी को रोटी खिलाएं, आपके बिगड़े काम बनने लग जाएंगे। ऐसा करने से सभी तरह की समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। घर के आसपास गाय होने का मतलब है कि आप सभी तरह के संकटों से दूर रहकर सुख और समृद्धि पूर्वक जीवन जी रहे हैं। गाय को प्रतिदिन भोजन कराने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। कुत्ता आपको रंग से राजा बना सकता है। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन कराने से दुश्मन आपसे दूर रहेंगे। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन कराने से जहां दुश्मनों का भय मिट जाता है, वहीं व्यक्ति निडर हो जाता है। कुत्तों को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। कौवे को भोजन कराने से सभी तरह के पितृ और कालसर्प दोष दूर हो जाते हैं। कौवे को भोजन कराने से अनिष्ट व शत्रु का नाश होता है। इसके अलावा शनि को प्रसन्न करना हो तो कौवे को भोजन कराना चाहिए। पक्षी को भोजन कराने से व्यापार नौकरी में लाभ होता है। घर में खुशियां बढ़ती हैं और व्यक्ति की समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा खिलाने से कर्ज समाप्त हो जाता है और मछली को भोजन कराने से समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति के लिए कबूतरों को दाना डालें। बाजरा शुक्रवार को खरीदें और शनिवार से डालना शुरू कर दें। इसके अलावा तिल से जुड़े भी कई उपाय हैं जिनको करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। हर रोज़ एक लोटे में शुद्ध जल भरें और उसमें काले तिल डाल दें। अब पतली धार से शिवलिंग पर जल को अर्पित करते हुए नमः शिवाय मंत्र जप करते रहें। जल चढ़ाने के बाद फूल और बिल्व पत्र चढ़ाएं। इस उपाय को करने से आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आती है और आपकी ज़िंदगी में चल रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। कुंडली में शनि के दोष हो या शनि की साढ़े साथी चल रही हो तो किसी नदी में हर शनिवार को काले तिल प्रभावित करें। इस उपाय से शनि के दोषों की शांति होती है। दूध में काले तिल मिलाकर पीपल पर चढ़ाएं, इससे बुरा समय दूर हो जाएगा। यह उपाय हर शनिवार को करना चाहिए। शनिवार को काले तिल का दान करें, इससे राहु, केतु और शनि के बुरे प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। कालसर्प योग, साढ़े साथी, पितृदोष आदि में भी यह उपाय किया जा सकता है। हर शनिवार काले तिल, काली उड़द को काले कपड़े में बांधकर किसी गरीब व्यक्ति को दान करें। इस उपाय से पैसों से जुड़ी समस्या दूर हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे अधूरे कामों को पूरा करने के आसान से उपाय। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।